हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ मेरा ये फिलिप्स का जो 5.1 होम थिएटर है, इसका स्पेसिफिकेशन एंड इसका रिव्यू। ये कैसा है, इसका साउंड क्वालिटी कैसा है, पूरा डिटेल में बताऊंगा क्या अच्छा है क्या ड्रॉबैक्स है इसका। तो ये मॉडल है बेसिकली फिलिप्स SPA 8000B, जो कि 120 वाट RMS के साथ आता है, और ये एक 5.1 होम थिएटर सिस्टम है। इसके साथ आता है दो फ्रंट लेफ्ट एंड राइट स्पीकर्स, सैटेलाइट स्पीकर्स, एंड दो रियर सराउंड स्पीकर्स एंड वन सेंटर स्पीकर्स। और ये मेन जो है, ये है मेन सबवूफर यूनिट, तो यही है मेन, इसमें ही सारा एम्पलीफायर वगैरह सब कुछ है। और इसके साइड में ये जो आप देख सकते हो इधर पे, ये 8 इंच का सबवूफर है। तो इस प्राइस रेंज में ऐसा इतना सही वाला सबवूफर और ये 8 इंच वाला सबवूफर आपको किसी दूसरे मॉडल में नहीं मिलेगा, और ऊपर से ये फिलिप्स का ब्रांडिंग के साथ आता है, तो काफ़ी अच्छा है। और ये मैं काफ़ी लास्ट 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ, तो इसका साउंड क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो मैं इसका साउंड क्वालिटी आप लोगों को सुनाऊंगा, बट उसका कुछ ड्रॉबैक्स भी है लेटेस्ट होम थिएटर के साथ। जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो क्या है, इसका जो इनपुट्स है, मतलब सोर्स क्या क्या सपोर्ट करता है ये, ठीक है। तो ये बेसिकली ब्लूटूथ एनेबल है, ठीक है। इसमें ऑक्सिलरी मोड भी है, मतलब तो 3.5 mm जैक से चला सकते हो। इस पे इधर पे USB पोर्ट भी है, और इधर पे कार्ड रीडर भी है, ठीक है। और ये FM भी सपोर्ट करता है, HDMI सपोर्ट नहीं है इसका। ये टीवी के साथ HDMI पोर्ट से कनेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। ये DVD प्लेयर के साथ वो बाकी सब डायरेक्ट इनपुट से कनेक्ट हो जाएगा, बट HDMI कनेक्टिविटी नहीं है इसमें। ये सिर्फ ये HDMI कनेक्टिविटी, और इसमें डॉल्बी डिजिटल नहीं है, ठीक है। तो ये दो चीज छोड़ के बाकी इसका साउंड क्वालिटी काफी अच्छा है। मतलब एज ए जस्ट 5.1 होम थिएटर, इसको रूम में सुनने के लिए और मोबाइल के साथ ब्लूटूथ या फिर आप टीवी के साथ या कंप्यूटर के साथ भी अगर 3.5 mm जैक से कनेक्ट करते हो, या फिर DVD प्लेयर के साथ वो प्रॉपर मतलब 5 पोर्ट 6 पोर्ट जो आता है, लाइक फ्रंट लेफ्ट फ्रंट राइट सराउंड लेफ्ट सराउंड राइट सेंटर एंड सबवूफर, वैसे अगर डायरेक्टली कनेक्ट करते हो इसके पीछे से, तो वो काफ़ी अच्छा साउंड करेगा, ठीक है। तो अभी इसका बाकी सैटेलाइट स्पीकर्स भी दिखाता हूँ, जो मैं ऐसे माउंट किया हूँ मेरे घर में वॉल में ऐसे। तो ये क्या, इस ऐसा 5 स्पीकर आता है इसका, ठीक है, आपको दिखाता हूँ। तो ये जो छोटे छोटे 5 सैटेलाइट स्पीकर आता है, इसको आप टेबल माउंट भी कर सकते हो या फिर ऐसे वॉल हैंगिंग भी रख सकते हो इसको, ठीक है। तो ये 5 स्पीकर्स जो छोटे छोटे स्पीकर आता है, ये स्पीकर सब आता है 15 वाट्स का, तो 5 स्पीकर का हो गया 75 वाट्स, एंड बाकी ये जो सबवूफर है ये है 45 वाट्स का। ये छोटा स्पीकर्स कैसा है, सैटेलाइट स्पीकर सब लोगों को दिखाता हूँ। इसके नीचे ऐसे रबराइज्ड ये दिया हुआ है ताकि ये पीस लेना, और इसके पीछे ऐसे वॉल माउंट किया हुआ है, और सारे सबका स्पेसिफिकेशन दिया है, कौन सा सेंटर है, कॉन्ट्रा लेफ्ट राइट क्या है, फ्रंट सराउंड, ठीक है। हर एक 3 इंच का है ये सैटेलाइट स्पीकर्स, और बाकी सभी सैटेलाइट स्पीकर्स बेसिकली सेम है, सेम शेप का सेम साइज का है, तो आप इंटरचेंज भी कर सकते हो। 5 स्पीकर दिया गया है, आप किसी को भी कहीं पे भी रखो, माउंट करो, बट इसका जो पोजीशनिंग जो आप इसके साथ कनेक्ट करोगे सॉफ्टवेयर के साथ, वो मैटर करता है कि कौन सा पोर्ट में आप कौन सा रख रहे हो एंड उसका पोजीशन कैसे कर रहे हो, ठीक है। तो इसके साथ एक रिमोट भी आता है, वो भी दिखाता हूँ आपको। इसका रिमोट ऐसे आता है, ये है इसका रिमोट, फिलिप्स के ब्रांडिंग है, और 2-3 AAA बैटरी चाहिए इसके लिए। ये है मेनली पावर ऑन ऑफ, ये म्यूट के लिए, और ये है वॉल्यूम प्लस माइनस प्ले पॉज नेक्स्ट प्रीवियस, और ये दो बटन जो है ये FM ट्यूनिंग के लिए है। और एक आप देख सकते हो यहाँ पे, ये है मेमोरी, ये FM के लिए है। ये है इसका प्रो लॉजिक, ये है इनपुट, और ये है सिलेक्ट। ये प्रो लॉजिक क्या है, प्रो लॉजिक ऑन ऑफ करने के बाद आप सारे स्पीकर का सेटिंग्स चेंज कर सकते हो, मतलब उस सारे स्पीकर का वॉल्यूम आपके पोजीशन के हिसाब से चेंज कर सकते हो। ये इनपुट और ये सिलेक्ट, ये सिलेक्ट दबा के फिर बाकी सबका वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हो। तो अभी इसका फंक्शन दिखाता हूँ आपको। अभी आप लोग देख सकते हो कि ये ऑफ है, जस्ट स्विच ऑन किया है तो ऐसे ब्लिंक करता है। तो ये पावर बटन से इसको ऑन करता हूँ। ये पे लास्ट ब्लूटूथ मोड में था, तो BT ब्लूटूथ मोड में ऑन हुआ। इसका अभी इनपुट चेंज करता हूँ,
जैसे ये है इनपुट, ठीक है, डी यू, ये है यूएसबी, ये है एफएम, ये है ऑक्सिलरी और ये है ब्लूटूथ। एंड ये नेक्स्ट वाला जो है ये है इसका जो डीवीडी इनपुट है, तो ठीक है, तो डीवीडी, यूएसबी, एफएम, ऑक्सिलरी और ब्लूटूथ, ठीक है। और इसका ये है प्ले, पॉज, नेक्स्ट, फॉरवर्ड, ये सारे। अब ये सिलेक्ट से दिखाता हूँ ये कैसा होता है। ये सिलेक्ट प्रेस किया, ये है फ्रंट स्पीकर्स, इसका वॉल्यूम में अप डाउन, ये जैसे ब्लूटूथ का है 15, वॉल्यूम लेवल 15 पे है। इसका मैक्स वॉल्यूम दिखा देता हूँ आप लोगों को, 30 तक है इसका मैक्स वॉल्यूम, ठीक है। तो मैं उतने वॉल्यूम में घर में सुन नहीं पाता हूँ, तो नॉर्मली मैं 14 पे ही सुनता हूँ, तो उसी पे रखता हूँ। और उसका सेटिंग भी दिखाता हूँ मैं, मेरा जैसे है फ्रंट स्पीकर 14 पे रहता है, ये डिफ़ॉल्ट है। ये है सराउंड स्पीकर्स, वो भी 14 में है, सेंटर सराउंड में 14 में है। और ये है बास, ठीक है, सबवूफर का वॉल्यूम। तो इसमें से किसी को भी आप चेंज कर सकते हो, ऐसे इनपुट दबाओ, ये इनपुट सॉरी, तो इसमें से किसी को भी आप वॉल्यूम चेंज कर सकते हो स्पीकर्स का। जैसे फ्रंट, ये जो भी मेन वॉल्यूम है, मतलब मेन स्पीकर का जो वॉल्यूम है 14, तो फ्रंट का वही रहेगा। फ्रंट का आप सिलेक्ट करके चेंज कर दोगे तो वो मेन ब्लूटूथ का भी 15 हो जाएगा, ठीक है, तो वो चेंज हो जाता है। तो मेन स्पीकर का वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम सेम रहता है। तो ये फ्रंट हो गया, ये है सराउंड स्पीकर का। तो सराउंड का मैं चेंज करके दिखाता हूँ, जैसे सराउंड का अगर चेंज किया तो अभी सराउंड का मैं चेंज कर सकता हूँ, सराउंड का 20 कर दिया, लेकिन इसका मेन 14 ही है। तो क्या है, सराउंड स्पीकर्स का वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा। अभी क्या है, सेंटर, फ्रंट, सराउंड, सेंटर, सेंटर को थोड़ा कम कर दिया मैं, तो वोकल थोड़ा कम रहेगा। म्यूज़िक के लिए ये सेटिंग आप कर सकते हो। और क्या है, ये इसका सेंटर हो गया, ये बस को थोड़ा इंक्रीज कर सकता हूँ, जैसे 16 पे रखता हूँ। तो इसका मेन क्या हुआ, अभी फ्रंट का 14 आ गया, सराउंड का 20 कर दिया और सेंटर का थोड़ा कम कर दिया और बास का इंक्रीज कर दिया। हर एक स्पीकर का वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हो, इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर पोजीशनिंग। और इसका जो सबवूफर है वो काफ़ी तगड़ा है, 8 इंच का सबवूफर है, ठीक है, ये पूरा 8 इंच का एक सबवूफर है। नॉर्मल अभी का जो भी सब बोट या इवन सोनी का भी जो आता है सब 6.5 इंच का आता है, बट इसमें 8 इंच का है, ठीक है, 8 इंच का सबवूफर के साथ बहुत कम अभी 5.1 होम थिएटर है, ठीक है। तो अभी ये रिमोट और उसका फंक्शन दिखा दिया आपको, तो इसका अभी थोड़ा साउंड सुना के दिखाता हूँ। मेरा ये दूसरा मोबाइल में आप देख सकते हो SPA-8000B कनेक्टेड है, ठीक है। अभी इसमें थ्रू YouTube कुछ गाना चलाता हूँ, NCS वाला चलाना पड़ेगा, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा। Yeah.
फ्रेंड्स, इसका आवाज़ आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड एक रिक्वेस्ट है, इसका जो भी साउंड आप चेक कर रहे हो तो हेडफोन ज़रूर यूज़ कीजिएगा, नहीं तो क्या होता है कि इसका साउंड क्वालिटी एक ऐसा रिकॉर्ड होता है और फिर रिप्रोड्यूस कैसे होता है आपके एंड पे वो काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। बट मेरे को तो इसका बेस बहुत अच्छा लगता है, ये इसका साउंड क्वालिटी क्रिस्टल क्लियर है। और हाँ, ये जो म्यूज़िक सेटिंग मैं आपको दिखाया कि हर एक स्पीकर का जो चेंज कर सकते हो, वो म्यूज़िक के लिए अलग होता है और मूवीज़ के लिए अलग होता है। मूवीज़ के लिए आप सेंटर को कम कर दोगे तो वोकल आपको क्लियर नहीं मिलेगा, तो वो भी एक अलग बात है, तो आपको थोड़ा सा वो एडजस्ट करके चेक करना पड़ेगा। ये ऑटो नहीं है इसमें, ठीक है, नहीं तो फिर आप डिफ़ॉल्ट में लगा के छोड़ दो तो आपको सब में ठीक ठाक डिफ़ॉल्ट आवाज़ मिल जाएगा। एक आपको एक दूसरा और एक म्यूज़िक चला के दिखाता हूँ। इधर पे एक एयर पास करने का रेडिएटर भी है और ये सारे वॉल्यूम अप डाउन बटन ये सारे सब काम करता है। इसको पॉज, नेक्स्ट, प्रीवियस, वॉल्यूम माइनस, इनपुट चेंज, वॉल्यूम प्लस, सब कुछ होता है इधर से। अब इसका आपको डिफॉल्ट में साउंड सुनाता हूं, इसका डिफॉल्ट क्या है। प्रो ऑफ, प्रो ऑन, एंड देन देखिए सब में सेम हो गया। इसको भी तब्दील कर देता हूं, सब 30 हो गया, ठीक है। तो अभी इसका साउंड थोड़ा कम कर देता हूँ, इसको फिर से चलाता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये साउंड टेस्ट आपको कैसा लगा और ये म्यूज़िक सिस्टम आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर।
इसके रिलेटेड कोई और दूसरा क्वेश्चन है आपको कुछ जानना है वो भी बताइएगा। और इसको छोड़ के आप इस सिस्टम में अगर कोई दूसरा स्पेसिफिक म्यूजिक सुनना चाहते हो तो वो भी मुझे बताइए, उसका लिंक शेयर कीजिए, तो मैं वो जरूर प्ले करके आपको अलग से भेज दूंगा। यूट्यूब में मैं कोई बॉलीवुड मूवी का सॉन्ग प्ले नहीं कर सकता, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। तो दोस्तों आप लोगों को ये रिव्यूज़ कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। थैंक यू।